भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा इसके पीछे बदले की भावना है। अपनी नियुक्ति के खिलाफ एक जनहित याचिका पर दायर अपने हलफनामे में राकेश अस्थाना ने कहा कि जब से उन्हें सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बनाकर उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के दो संगठन हैं जो पेशेवर जनहित याचिकाकर्ता हैं और सार्वजनिक सेवा के एकमात्र तरीके के रूप में मुकदमे दायर करने के लिए अस्तित्व में हैं। एक या दो व्यक्ति इन संगठनों पर गहरे और व्यापक नियंत्रण का आनंद लेते हुए दोनों संगठनों को चलाते हैं। आपको बताएं, याचिका में मांग की गई है कि राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का गृह मंत्रालय का 27 जुलाई का आदेश रद्द किया जाए। इसके अलावा 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्हें अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति देने के साथ साथ सेवा विस्तार देने का आदेश भी रद्द किया जाए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।